सुरेश तो सुरेश जी, बात करें लॉकडाउन की जी। 22 तारीख को सीधे मतलब लॉकडाउन था, 25 तारीख से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया था 21 का जो लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद कंटिन्यू लगातार लॉकडाउन चला है, लॉकडाउन 5.0 तक। तो सबसे पहले किस प्रकार आप लॉकडाउन को देखते हैं? लॉकडाउन जी इस बीमारी के लिए किया था मोदी जी ने, अभी पब्लिक कम से कम बाहर निकले, अब डिस्टेंस बनाए रखे ताकि बीमारी जल्दी जल्दी समाप्त हो, लेकिन ये जमातियों ने आ करके बीमारी को और बढ़ा दिया, इसलिए लंबा चल मोदी जी ने इसको लॉकडाउन लंबा बढ़ाना पड़ा, और इसी कारण पब्लिक जो हमारी लेबर तबके थे, मजदूर थे, इनको बड़ी परेशानी हुई, खाने की रहने की, मकान मालिक भी उनसे किराया मांगने लग गया, इसलिए भागने की कोशिश की। तो हमने भी, हमारे पास भी रोज़ आते थे कि अभी राशन की दिक्कत है, मदद करो, प्रशासन वगैरह से हमारे कोई मदद नहीं मिली, हमने अपनी टीम को के सहयोग से काफ़ी दिन तक पूरी सूखा राशन, आटा, दाल, चावल जितने हमसे हो सके हमने उनकी मदद करी, खाने के लिए ना हो तो बड़ी परेशानी हो जाती है, इसलिए हमारी टीम ने पूरा सहयोग और मेहनत से दिन रात करके उनका राशन से भरपेट उनका भोजन मिल जाए, बच्चे परेशान ना हो, काफ़ी मदद की है जी, खूब मेहनत। सुरेश जी, बात करें लॉकडाउन के अलावा भी, आप जैसे ऐसे क्या क्या आपकी सेवाएँ लोगों के लिए पहुँचाई जा सकते हैं? जैसे जितना हमसे बन पाए हम पूरी कोशिश करते हैं जी, दिखावा करने की तो हम कोशिश करते नहीं, बाकी जो भी किसी तरह का कोई आदमी हमारे पास आ जाए तो उसी में हम दिल से मदद करने की कोशिश करते हैं। कैसे भी हो, गरीब लड़कियों की शादी हो, गौशाला दान हो, या किसी कन्यादान में हो, या गरीब लेडीज आ जाए उसके लिए शादी ब्याह में कुछ मदद हो सके तो उसके लिए हम पूरी मदद कोशिश करते हैं, अपनी टीम की तरफ से भी और हम अपनी तरफ से भी, अभी जितना सहयोग हो सके पूरा करेंगे। समाज सेवा क्या सोचकर आपने समाज सेवा करने का शुरू किया सर? क्या सोचता, क्या उम्मीद थी, किस प्रकार? सर कोई उम्मीद नहीं, बस दिल से ये था, ये आत्मा ही मानती है, जितनी जिससे मदद हो जाए जिसकी, तो बस थोड़ा संतुष्टि मिलती है अंदर से। क्या मैसेज होगा लोगों के लिए, युवा जो जनरेशन हमारे सामने आ रही है, किस प्रकार का मैसेज देना चाहेंगे लोग? आदमी को जब जितनी कोशिश हो दूसरे की मदद करनी चाहिए, और मदद करने में जो संतुष्टियाँ अंदर से मिलती है ना जी, बड़ी खुशी मिलती है किसी की मदद करने में, अगला भी कभी जरूरतमंद को कुछ मदद मिल जाए तो बड़ी दुआ देता है जी। लॉकडाउन में जिस प्रकार आपने बताया कि लोगों को खाना सरकारी तरफ से, सरकारी तरफ से जो खाना मुहैया नहीं हो पाया, लोगों को दिक्कतें आई हैं जी, आपने जितना आपने हो सकता है आपने कोशिश की है, तो लोगों का क्या रिएक्ट था आपकी तरफ की, किस प्रकार लोगों ने आपकी सहायता की, सोशल डिस्टेंस को लेकर भी आपकी सहायता हुई है, या कुछ ऐसी दिक्कतें जो सामने आई हैं जी? देखो आशा उम्मीद तो होती है, इसीलिए आदमी आ सकता है जी, बगैर उसके तो कौन किसके पास जाएगा जी, बेचारों को जरूरत थी नहीं, कौन किसके लिए पास आके हाथ फैलाएगा, काफ़ी लोग अब कोई लेके जा दूसरे बता दे ऐसे करते करते काफ़ी भीड़ लगी थी, लेकिन हमने पूरा साथ सहयोग कर करके भाई दो लड़के बैठा दिए, थोड़ा गैप बना बना के उनको फार्म एक एक करके बुला बुला के फोन से कर बुला बुला के उनको राशन देते थे। सोशल डिस्टेंस को लेकर और जो मास्क वितरित था जो आपने किया था, सोशल डिस्टेंस किस प्रकार आपने मेंटेन किया था कि लोगों को दिक्कत भी ना हो और खाना सबको सब तक पहुँचे? हम उनका नंबर लिखने लग गए थे जी, फोन कर बुलाने लग गए थे भाई, पहले शुरुआत में तो दो तीन लोग खड़े करते थे दूर दूर कर करके, गली में घड़ी काफ़ी जगह है जी, वहाँ पर खड़ी कर करके देने लग गए, फिर उनके नंबर और नाम, फिर 10 दिन होते ही फिर उनसे फ़ोन करके बुला लेते थे, 10-10 आदमियों को आ गया ले जाओ, 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद उनको फ़ोन कर देते थे, वो आ जाते थे राशन ले जाते थे। इससे लोगों को क्या रिस्पॉन्स मिला, उनको राशन पहुँचा नहीं पहुँचा जो आपने फार्म भरवाए? उनका किसी के पास कोई राशन नहीं आया जी, काफ़ी फार्म भरे, दो लड़के बैठाए, फोटो कापी करवाई हमने फार्मों की, मेहनत भी करी लड़कों ने फार्म भरने के लिए, बस लोग परेशान भी हुए, लेकिन सरकार की तरफ से प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली, एक भी बंदे को राशन नहीं आया। तो इसमें आप किसको किसकी गलती है, किसका फॉल्ट मानते हैं, सरकार की फॉल्ट मानते हैं या किसकी तरफ से? ऊपर से तो राशन खूब आए, लेकिन नीचे ही अब प्रशासन अफसर हैं, चाहे हमारे अफसर हैं या नेतागण हैं, उनकी लापरवाही रही जो आम आदमी तक पूरा राशन नहीं पहुँच पाया। विधायक है, पार्षद है, जो भी प्रशासन की वजह से जी। बात करें हमारे जो विधायक जी हैं, सुधीर सिंगला जी हैं, राकेश जी हैं, MLA साहब हैं, और हमारे पार्षद वार्ड भी रहे हैं, इस इलेक्शन इस लॉकडाउन के कारण कोई भी लोगों के बीच मदद करने पहुंचे हैं, कुछ नहीं भी पहुंचे, तो इसके लिए क्या कहना है? देखो जी, इन्होंने थोड़ा सिस्टम नहीं बना पाए, राशन वगैरह ऊपर से खूब आया जी, लेकिन तरीके से न बांट पाए, इन्होंने कोई सिस्टम बनाया, इसलिए पब्लिक दुखी हुई, इसलिए ही मजदूर तबका लोग काम के लिए भाजा, अगर उनको समय पर पूरा राशन और सही पहुँच जाता ना तो शायद अगले और नहीं जा पाती यहाँ पर। नहीं बात सर, मैं बात वो पूछ रहा था कि लॉकडाउन में जो थे हमारे जो MLA साहब जिसका कर्तव्य बनता था, पार्षद का कर्तव्य बनता था, वो एक्चुअली नहीं है, जो हमारे समाज सेवी थे वो लोग ग्राउंड पर आए हैं जी, तो इसके लिए क्या कहना है आपको? समाज सेवी लोगों ने बहुत अपनी तरफ से बहुत मदद करी है जी, सरकार प्रशासन ने जैसे विधायक जी हैं, पार्षद जी हैं, जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पाए जी, हर जगह नहीं पहुँच पाए, ना इन्होंने इतना किया।
बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।